हाथ पे है, बोले एक समय एक कोई जो गुणी नहीं होता है ना, जो भूत छुड़ाते हैं, भूत उतारते हैं जो लोग, एक समय वो भूत उतारने वाले एक व्यक्ति को जा रहा था, देखा भूत लोग बैठ करके बैंड पट्टी बज रहा है, बैंड बज रही है और बड़े उत्सव गा रहे हैं, नाच रहे हैं। वो तो भूत छुड़ाना मंत्र जानता है, उसने बुलाया, बोले इधर आओ। बोले भैया क्या बात है, आज उत्सव क्यों हो रहा है? बोले कल भूत लोग बोल रहे कल हमारी एक बेटी की शादी हुई। बोले कल क्यों, आज नहीं? बोले एक लड़की आत्महत्या करके भूत कौन बढ़ता है, जो आत्महत्या करते हैं, सुइसाइड करते हैं, इसलिए सुइसाइड कभी नहीं करनी चाहिए। बोले जो अपमृत्यु होने पर ये भूत बढ़ते हैं। ये माइक अभी नहीं कर सकते, बहुत गड़बड़ी अच्छी काम करे आउट पिला कब से करगला, अच्छी से पूजा होती। हरे कृष्ण। उन्होंने बोला देखो वो तो लड़की आत्महत्या की, अभी भूत बन करके आए, कल भी एक जवान का आत्महत्या होगा। बोले कैसे? बोले दो साढ़ के अंदर में लड़ाई होगी और एक जवान, जब साढ़ लड़ाई होगी वो लड़ाई कभी छूटेगा नहीं, वो एक जवान ने वो साढ़ को छुड़ाने के लिए आएगा, जब छुड़ाने के लिए आएगा वो साढ़ बड़े क्रोध में रहेंगे और सींग से उसको ऐसे मारेंगे, उसका पेट फाड़ देंगे और वो मर जाएगा, अपमृत्यु हो गई। इसलिए वो भूत बन करके कल मरेगा ना, भूत को सब कुछ बात पता चलता है, भूत सब जानते हैं, इसलिए कल मरेगा, इसलिए वो मर करके भूत बनेगा। और हमारा पास में एक लड़की है, अभी एक जवानी है, वो मर करके भूत बनेगा, दोनों भूत पेत और पेतनी, भूत भूत में, स्त्री और पुरुष भूत में कल शादी होगी। उसको बड़ा आश्चर्य लगा, उसने पता लगाया, सचमुच से उसने ऐसे ही उसको मरा, सचमुच से एकदम ऐसे ही मरा था। वो गुणिनी जा रहा था उसी रास्ता में, देखा सारे भूत बैठ करके रो रहे हैं। बोले इधर आ। बोले भैया कल तो बड़े बैंड बैठ बजा बजा कर उत्सव कर रहे थे, शादी होगा, आज रो रहे हैं क्यों? बोले बहुत बड़ा एक अनहोनी हो गया। बोले क्या हुआ? बोले वो साढ़, आप देखना कभी उसका सींग में खुजली मचता है साढ़ का, वो साढ़ ऐसे ऐसे मिट्टी को कुतरता है, कहते एक समय गंगा किनारा में उसको सींग में खुजली मचा तो गंगा को किनारा में अपना सींग से मिट्टी को खोद रहा था, उसको गंगा का जो रज है वो सींग में लगा हुआ था, गंगा का धूल, जब उसने वो जवान व्यक्ति को मारा, वो मरते समय वो गंगा का जो मिट्टी उसको शरीर में लग गया तो मुक्ति पा करके भूत क्या बनेगा, वो मुक्ति पा करके ना वैकुंठ सीधा चले गया। इसलिए बड़ा अनहोनी हो गई बेटी हमारी, कुंवारी की कुंवारी रह गई और उनकी बेकार जीवन बर्बाद हो गए। देखो गंगा की मिट्टी में इतने शक्ति है। गुरु जी और एक कथा सुनाया करते थे, एक समय कोई एक सांप अपना पील को अंदर में पूरा शरीर, वो अपना मुंह को खाली निकला था, अपना मुंह को निकाल करके ऐसे कर रहा था, इतने में गरुड़ का जो आहार है ये सांप, इतने में गरुड़ ने पंजा मार करके वो पकड़ लिया सांप को, जब पकड़ करके उसको खींचा, जब प्राण छूटते समय उसका पूछ लग गया गंगा पानी में, गंगा पानी में पूछ लगते ही हैं, उसको खाएगा क्या? इतने में वो चार हाथ हो गया, विष्णुदत्त बन गया, वैकुंठ में चार भक्तों का चार हाथ होता है ना, उसका चार हाथ बन गया। गरुड़ ने देखा भैया मैं तो बस खाने के लिए ले जा रहा था, उसको तो चतुर्भुज हो गया, खाएगा क्या? उसको गरुड़ को पीठ के ऊपर बैठ कर वैकुंठ ले जाना पड़ा, उसको वैकुंठ ले जाना पड़ा, उसको खाएगा किसको? वैकुंठ ले जाना पड़ा। गंगा पानी की इतने पवित्रता है, सागर महाराज के बेटे हजार साल पहले मर करके राग बन गए थे, ढेर बन गए थे, कहां मिट्टी में मिल करके खत्म पूरा जो गंगा सागर है, लेकिन दिल्ली पे आए, अंशुमान आया, कितने कितने पूर्वज हजार हजार साल तपस्या किया, गंगा को संतुष्ट नहीं कर पाया, भगीरथ ने जब संतुष्ट की गंगा को लेकर केवल उसको ऊपर में गंगा केवल बहते हुए चली गई, उसी से ही
जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए उनको मुक्ति हो गई। इतने गंगा की इतने महत्व है गंगा की है, इसलिए इसे गंगा पानी और तुलसी दल से अद्वैत आचार्य भगवान को बुलाया तो भगवान के आसन हिल गया और चैतन्य महाप्रभु जी जगत में अवतीर्ण हुए। बोले श्री गंगा देवी की, जिसको स्वयं शंकर जी अपना जटा में गंगा जी को धारण रखे। बोले क्यों? बोले कि भगवान की चरणामृत है, इसलिए चरणामृत की महिमा बुलाया। बोले अकाल मृत्यु हरणम, आज समय में जो मृत्यु है अगर कोई गंगा पानी का स्पर्श करे तो अकाल मृत्यु खत्म, सर्व व्याधि विनाशनम, जितने बीमारी है सारे बीमारी सही हो जाता है चरणामृत में है। इसलिए के लिए भगवान की चरणामृत को अपना सर पर लगानी चाहिए। इसलिए ये गंगा साक्षात ये गंगा यहाँ पर है, इसलिए हम लोग को गंगा की तो बहुत सारी महिमा है। इसलिए देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा, इसलिए उनकी बड़ी महिमा है। इसलिए ये गंगा पानी सब लोग ये पानी को आचमन लेना, सब लोग ये पानी का आचमन लेना, हर्षो एवरीवन टेक्स आचमन टू दिस गंगा वाटर। हाँ तो भर कर दिया सब बताए पूरा।